पानसूर में अलवर एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए लाइनमैन सुनील कुमार को 28,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। अलवर एसीबी डीएसपी साले मोहम्मद ने बताया कि परिवादी टेकचंद ने विद्युत ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए मांग की थी, जिस पर विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने की एवज में 30,000 की मांग की गई, जिस पर 28,000 में सौदा तय हुआ था। एसीबी टीम ने बानसूर बाईपास से लाइनमैन सुनील कुमार को 28,000 की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया। उसने एक एप्लीकेशन दी थी कि उसके पर्स आगे बास में उसके एग्रीकल्चर का कनेक्शन है जो 12-13 साल पहले लगा था, और ये 10-12 दिन पहले लाइनमैन सुनील कुमार उसके खेत पर आया था और उसने कहा कि जो यहाँ ट्रांसफार्मर डीपी लगी हुई है वो ज़्यादा एचपी की लगी हुई है, 25 एचपी की लगी हुई है, जबकि यहाँ आपका कनेक्शन 10 केवी का है तो यहाँ 16 केवी की लगनी चाहिए थी, और इसको कहा कि आप इसको ज़्यादा लगने का जुर्माना लग सकता है और आप डीपी चेंज करवाएं। इसके लिए आरोपी सुनील कुमार ने उनसे 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की, जिस पर हमने 8 तारीख को वेरिफिकेशन कराया। 8 तारीख को ये सुनील कुमार है ये परिवादी टेकचंद के घर गया था और 30,000 रुपये की डिमांड हुई, 28,000 रुपये में तय हुआ था। आज इसने सुबह 8:30 बजे पर सुभाष चौक सर्किल बानसूर पर पैसे लेकर बुलाया था इसको, परिवादी को, जिस पर इसकी टीम आई थी, और सुभाष चौक सर्किल पर ये आरोपी अपनी मोटरसाइकिल से आया और परिवादी से 28,000 रुपये रिश्वत राशि लेकर अपनी पैंट की जेब में रख ली, जहाँ से हमने बरामद कर ली है रिश्वत। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, कैसे इस लाइनमैन को ट्रैप किया गया? यहाँ पर इसने 30,000 की रिश्वत मांगी थी जिसका सौदा जो है वो 28,000 के अंदर तय हुआ। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बानसूर के विद्युत विभाग में ये अलवर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहाँ पे लाइनमैन सुनील कुमार ने एक परिवादी से ट्रांसफार्मर बदलवाने की एवज में 30,000 रुपए की डिमांड की थी, लेकिन 28,000 में यह सौदा तय हुआ था। सौदा तय होने के बाद अलवर एसीबी की टीम ने लाइनमैन सुनील कुमार को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और घूसखोर लाइनमैन को आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास बानसूर के बाईपास से 28,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ इसको ट्रैप किया गया। वहीं लाइनमैन को एसीबी की टीम बानसूर थाने लाई और बानसूर थाने लाने के बाद उससे पूछताछ की गई और पूछताछ में यह भी पता चला कि सुनील लाइनमैन ने जो परिवादी टेकचंद था उससे यह भी कहा था कि किसी अधिकारी को इस रिश्वत के बारे में ना बताएं। उसको लेकर भी पहले ही टेकचंद जो परिवादी था उन्होंने एसीबी में इसकी सूचना कर दी थी, और जब ये पूरा मामला एसीबी के सामने आया तो एसीबी ने घूसखोर लाइनमैन को पकड़ने के लिए जाल बिछाए और आज यह घूसखोर लाइनमैन एसीबी के हत्थे चढ़ गया। अब एसीबी घूसखोर लाइनमैन से पूछताछ कर रही है तथा अलवर लेकर गई है। अब इसे पूरी पूछताछ की जाएगी कि कैसे इसने और कहीं भी किसी परिवादी से घूसखोरी तो नहीं की। सारा मामला स्पष्ट होने के बाद ही स्थिति का पता चलेगा। देखा जाए तो अलवर एसीबी टीम ने यह कार्रवाई बानसूर में की है और बानसूर थाने पर इससे पूछताछ करने के बाद जो रिश्वत की राशि थी वो भी बरामद कर ली गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो रिश्वत लेते यहाँ पर लाइनमैन को ट्रैप किया गया है, यूपी का रहने वाला ये आरोपी बताया जा रहा है, जिसने 30,000 की रिश्वत ली थी जिसका सौदा 28,000 में तय हुआ। सुभाष सर्किल पर एसीबी टीम ने ये कार्रवाई करते हुए उससे रंगे हाथों दबोच लिया। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।